हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। बरेली में मंगलवार को अवध असम एक्सप्रेस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि ट्रेन में कोई यात्री पटाखे लेकर जा रहा था, इसी दौरान किसी ने सिगरेट जलाई जिससे पटाखों में आग लग गई। ट्रेन में बैठे यात्रियों ने चलती ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान कई यात्रियों को हल्की फुल्की चोट भी आई है। आपको बताते चलें कि लालगढ़ से चलकर डिब्रूगढ़ जाने वाली अवध असम एक्सप्रेस जैसे ही बरेली जंक्शन पहुंचने वाली थी, इसी दौरान S2 कोच में अचानक आग लग गई। आग लगते ही ट्रेन में भगदड़ मच गई, चलती ट्रेन से ही कई यात्री कूद पड़े। हालांकि जिस वक्त यात्री ट्रेन से कूदे, ट्रेन की स्पीड काफी कम थी क्योंकि ट्रेन बरेली जंक्शन के पास पहुंचने वाली थी। यात्रियों के ट्रेन से कूदने से उनके हल्की फुल्की चोट भी आई है, किसी को भी हॉस्पिटल भर्ती नहीं होना पड़ा। ट्रेन में आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के अफसर फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, जहां पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने तत्काल ही आग पर काबू पा लिया। निरीक्षण के दौरान पता चला कि कोई यात्री अवैध रूप से पटाखे ले जा रहा था, किसी ने बीड़ी पी होगी जिस वजह से आग लग गई। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि इस घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।